केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में असम के युवाओं से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर असम और राहुल बाबा के मौलाना निर्भर असम पर क्या बोला। अमित शाह इन दिनों अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का हवाला देते हुए जनता से वादा किया है कि असम को देश का बेहतरीन स्पोर्ट हब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2038 के एशियाई खेलों का आयोजन गुवाहाटी में ही होगा। इसके लिए गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी की जाएगी। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा। मित्रों, हम हमारे मैनिफेस्टो को लेकर आए। असम में जो बांबू का उत्पादन होता है, ये पूरे देश के कागज के उत्पादन को पूरा कर सकता है। हमने वादा किया है कि असम और नॉर्थ ईस्ट के बांबू को कागज में और बांबू के प्रोडक्ट में परिवर्तित करकर असम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। असम के पोटेंशियल को 100% एक्सप्लोइट करने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि 98 टाउनशिप को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करेंगे। मॉडल गांव भी बनाने का एक नया स्कीम पूरे भारत में पहली बार हम करेंगे। और युवाएं सुन ले, 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरी 2022 के पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। स्वयं योजना के तहत 10 लाख युवाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम साउथ ईस्ट एशिया की स्टार्टअप कैपिटल भी अपने गुवाहाटी को बनाने के लिए काम करेंगे। मित्रों, असम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा मुहैया की जाएगी और असम भारत का स्पॉट हब बने गुवाहाटी। इसलिए भी 2038 की एशियाई खेल के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन और ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम को भी हम यहां से चालू करने का काम करेंगे। अमित शाह ने असम की जनता से वादा किया कि पीएम मोदी आत्मनिर्भर असम बनाना चाहते हैं, ताकि असम के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा मौलाना निर्भर असम बनाना चाहते हैं। इसी के चलते राहुल असम में बदरुद्दीन के भरोसे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि असम की जनता आत्मनिर्भर असम के रास्ते को चुनेगी। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा। मित्रों, मुझे एक बार बताइए, मोदी जी आत्मनिर्भर असम बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर असम, जिसे असम के युवाओं को नौकरी लेने के लिए देश भर में कहीं जाना न पड़े। आत्मनिर्भर असम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलिए, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अरे राहुल बाबा मौलाना निर्भर असम बनाना चाहते हैं, जो अजमल के भरोसे हो। मित्रों, आपको तय करना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है या मौलाना निर्भर भारत बनाना है। वो असम की जनता को तय करना है। मुझे भरोसा है कि हम आत्मनिर्भर असम के रास्ते पर जाएंगे। अमित शाह ने बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन असम में लोगों से कहते फिर रहे हैं कि असम सरकार बनाने की चाबी मेरे पास है। वो कहते हैं कि जैसे चाहूंगा वैसे सरकार चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसे मंत्री बनाऊंगा। अमित शाह ने कहा कि असम की सरकार बनाने की चाबी बदरुद्दीन के पास नहीं है, ये चाबी असम की जनता के हाथ में है। सुनिए पूरा वीडियो, जिसमें उन्होंने बदरुद्दीन पर जमकर हमला बोला। चुनाव दो खेमों के बीच, एक बार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही। कल तो अजमल ने कहा
कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बद्रुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बद्रुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, नाम घरों की भूमि को कब्जाने वाले बद्रुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामघर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकर देव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बद्रुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते। अमित शाह यही चुप नहीं रहे, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में दशकों तक असम में आंदोलन होते रहे, लेकिन सरकार इन गुमराह नौजवानों और असम के नागरिकों पर गोली चलवाती रही। कांग्रेस सत्ता के लिए बोडो नॉन बोडो, अपर लोअर असम, असमी और बंगाली को आपस में लड़ाती रही। बीजेपी ने बोडोलैंड से समझौता कर असम में शांति स्थापित करने का काम किया है। मित्रों, 5 साल पहले मैं पार्टी अध्यक्ष नाते इसी क्षेत्र में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त आसाम बनाकर आपको देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और भाजपा सरकार बनाइए, एक विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है, बोडो और नॉन बोडो, अपर असम, लोअर असम, असम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा। अमित शाह ने असम में अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस के शासन में असम में हर तरफ हिंसा थी, इसी के चलते पूरा असम अशांत हो गया था। अमित शाह ने कहा कि असम में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने असम में शांति स्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही 2000 से ज्यादा अलगाववादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, इसी प्रयास के चलते आज असम में कहीं भी गोली नहीं चलती। सुनिए शाह ने कांग्रेस के बारे में और क्या क्या बोला। कांग्रेस की सरकार थी, असम ने देखा है आंदोलन के युग। मैं भी युवावस्था में यहां आया था, नारे लगाते थे, विद्यार्थी परिषद की रैली थी, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, मगर आज आसाम गण परिषद और भाजपा दोनों एक मंच पर है और आसाम को
आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आसाम को सारे अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। आतंकवाद से मुक्त आसाम, 5000 से ज्यादा युवा, पुलिस और आसाम की जनता गोलियों की भेंट चढ़ गई, मगर आतंकवादियों के साथ, हथियारी ग्रुपों के साथ कोई संवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 5 साल में 2000 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने हथियार डलवाकर मेन स्ट्रीम में लाया है। आज आसाम में कहीं पर भी गोली नहीं चलती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।